हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। और हमने जो पिछले बार टॉपिक स्टार्ट कराया था वो सॉलिड स्टेट का था और यूनिट सेल और उसके प्रकार हम आपको बता चुके थे। ठीक, और आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक, और सुरक्षित रह के आप वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो आज बताने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल सिस्टम, ब्रिविज लैटिस। ठीक, वो 14 प्रकार की होती है कुल। और क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होंगे, जो हमने 6 पैरामीटर बताए थे, 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उनके बीच कोण, तो कुल 6 थे। और ये उसको बताने के बाद क्रिस्टल सिस्टम उन्हीं के आधार पर, जो पैरामीटर हैं 6, उनके आधार पर कितने सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम या लैटिस बन सकती हैं, उसको हम आप आज एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है उसकी याद करने की, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, देखिए उसको जैसे कुबेर की पत्नी तारा गोयल ये काल्पनिक नाम है, तारा गोयल और बेटा रेम्बो हैजा से पीड़ित हैं। बेटा हैजा से पीड़ित हैं और वह उनको मोना के क्लिनिक पर ले जाने की ट्राई कर रहा है, जहां पर हो सकता है संभव इलाज न हो। तो ये देखिए बच्चों, यहां पे इसको अंडरलाइन कीजिए, तारा गोयल को अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, मोना को क्लिनिक को अंडरलाइन कीजिए, ट्राई को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए कि अब इनसे ही बनाएंगे हम, जैसे कुबेर है, कुबेर का मतलब होता धनी, जैसे कोई कुरकुरा है, इसको गांव में कुरकुरे कहते थे, और वो शहर में जाके कुबेर बन गया, धनी बन गया। तो उसकी पत्नी और ये पीड़ित हैं, क्योंकि बीमारी किसी को नहीं देखती, अमीर गरीब सभी के लिए वो बराबर होती है। ठीक, तो यहां पे देखिए कुबेर से क्या बन जाएगा बच्चों, कुबेर से बन गया क्यूबिक, तारा गोल से बन गया टेट्रागोनल और से बन गया ऑर्थो रोम्बिक, और यहां पर रेम्बो से बन गया रोम्बो हीड्रल, और यहां पर देखिए रोम्बो हीड्रल हैजा से बन गया, हैजा को अंडरलाइन कर दीजिए, हेक्सागोनल, मोना के क्लिनिक के लिए से बन गया मोनो क्लिनिक, और ट्राई से बन गया ट्राई क्लिनिक। समझ में आ गया। अब संभव विविधताएं देखिए कितने, जैसे बॉडी सेंटर हो सकता है क्यूबिक में, बॉडी सेंटर, फिर सेंटर या और भी हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो इसके आधार पर कितनी हो सकती हैं, जैसे 3, 2, 4 और 3, 2, 4 के बाद यहां पर देखिए बच्चों 1, 1, 2, 1, इसको याद कर लेना, बहुत आसान है। 3 का मतलब यह हो गया बच्चों इसमें कि प्राइमेटिव तो रहेगा ही रहेगा, प्राइमेटिव तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें यहां पे भी जो 1, 1 हैं उसमें तो प्राइमेटिव आप लिख ही दीजिए, प्राइमेटिव, इसमें प्राइमेटिव, प्राइमेटिव और इसमें प्राइमेटिव, प्राइमेटिव, ये तो आपने लिखी थी। इसके बाद इसमें बॉडी भी हो सकती है, बॉडी सेंटर, और ये इसके अलावा इसमें पेस सेंटर, बॉडी सेंटर, पेस सेंटर। इसमें देखिए टेट्रागोनल में बच्चों कि प्राइमेटिव तो रहेगा ही रहेगा, प्राइमेटिव रहेगा, और इसके बाद बॉडी सेंटर रहेगा, बॉडी सेंटर्ड। ठीक, बॉडी सेंटर्ड बच्चों, इसमें देखिए इसमें चारों रहेंगे, प्राइमेटिव, बॉडी, फेस, और बच्चों इसमें रहेगा एंड सेंटर्ड। ठीक, पी से प्राइमेटिव, तो ये प्राइमेटिव यहां पर प्राइमेटिव, और ये थोड़ा सा याद रखना, ये हो गया एंड सेंटर्ड भी होगा, एंड सेंटर। तो इसको याद करने का तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो कुल 14 हो गई ये, 3, 2, ये कुल मिला के 14 को कहते हैं हम क्या,
ब्रिविज BRAVAIS ब्रिविज लैटिसेस, ब्रिविज लैटिसेस ये 14 होती हैं, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे उन्होंने उनके नाम पर इसको रखा गया है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। अक्षीय दूरियां देखिए बच्चों, इसकी भी ट्रिक देखिए, ए बराबर बी बराबर सी, क्यूबिक में तीनों समान होती हैं, और CTO सेंटर CTO इसको तीनों एंगल अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 अल्फा, इसके बाद देखिए यहां पर अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 तीनों में CTO में, और यहां पर बच्चों ये ऑर्थोरोम्बिक अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 ये हो गए। इसके बाद इसको देखिए, इसमें तीनों बराबर कर दीजिए, उसके बाद ट्रिक देखिए ए इजिकल टू बी, एक को काटते चले जाओ, इसमें दोनों को काट दो, दोनों को काट दीजिए इसमें, इसके बाद रोम्बोहेड्रल में देखिए बच्चों, इसके बाद यहां से ना आप रिपीट करोगे, इसको फिर से रिपीट कर दो यहां से शुरू से, ए बराबर बी बराबर सी, ए इजिकल टू बी इज नॉट इजिकल टू सी, ठीक बच्चों। और मोनोक्लिनिक में आप देखिए ए इजिकल टू नॉट इजिकल टू बी इज नॉट इजिकल टू सी, और यहां पर ट्राई क्लिनिक यानी कि इसका इलाज फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा जो है ये यहां पे ट्राई करने के बाद भी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तीनों अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक बच्चों। अब इसको देखिए यहां पे जरा, रोम्बोहेड्रल में यहां तक 90 था, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा नॉट इजिकल टू 90 बच्चों, यहां पर देखिए अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू 90 गामा इजिकल टू 120 मोनोक्लिनिक में अल्फा इजिकल टू गामा, यहां पे बीटा की जगह आप गामा ले आइए, यहां गामा इज इक्वल टू यहां हो जाएगा अल्फा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 और बीटा इज नॉट इजिकल टू 90, और यहां पर बच्चों ये कुछ भी नहीं है इसमें, यानी कोई भी इसमें सेम नहीं है, तो ना एंगल ना ही जो है दूरियां, तो अल्फा इज नॉट इजिकल टू बीटा इज नॉट इजिकल टू गामा इज नॉट इजिकल टू 90 बच्चों, ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल, क्यूबिक जैसे NaCl है, ZnS है, कॉपर है, इसमें ये पाए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, टेट्रागोनल को देखिए, टिन है वाइट टिन, और इसके अलावा SnO2 ये हो जाएगा इसमें, ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर हो जाएगा बच्चों, रोम्बिक सल्फर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर रोम्बोहेड्रल है, जैसे HGS हो जाएगा, सिनेबार इसमें पाया जाता है, हेक्सागोनल ग्रेफाइट का एक अच्छा एग्जांपल है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर ये एलोट्रोप होते हैं, रोम्बिक सल्फर और ये दोनों क्या होते हैं आपस में एलोट्रोप होते हैं, और ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो बच्चों ये याद करने की ट्रिक आपको कैसी लगी, आप इसको रिवाइज करना, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।